सीएम योगी लखनऊ से रिटर्न, एक दो दिन में सियासी हलचलें तेज होने के आसार। सीएम योगी के दिल्ली दौरे के बाद इसके संकेत हैं कि एक दो दिन में राजधानी में सियासी हलचलें काफी तेज हो सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिन के दिल्ली दौरे के बाद शुक्रवार देर शाम लखनऊ लौट आए हैं। दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भेंट की, जबकि गुरुवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। औपचारिक तौर पर बताया जा रहा है कि इन नेताओं के बीच यूपी में कोरोना प्रबंधन और विकास कार्यों पर बात हुई है, मगर यह माना जा रहा है कि पिछले एक बखवारे से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार, प्रदेश भाजपा संगठन में फेरबदल और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के चेहरे को लेकर लगाई जा रही अटकलों आदि पर चर्चा हुई है। इस दौरान केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी को लेकर अपनी अपेक्षाओं से योगी को अवगत कराया है और साथ ही साथ सीएम योगी के दिल्ली दौरे के बाद यह संकेत मिल रहे हैं कि एक दो दिन में लखनऊ में सियासी हलचलें काफी तेज हो सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी गुरुवार दोपहर अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए तो प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। योगी के केंद्रीय नेताओं से भेंट के बाद प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार के कयास भी लगाए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन में भी बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि सरकार व संगठन में सामाजिक संतुलन बनाने पर केंद्रीय नेताओं का खास जोर है। और इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां 2022 में यूपी में सरकार बनाने में कोई भी कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात के बारे में आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दें। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।